हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी चूरमे के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए आप, यही लड्डू आज हम बनाने वाले हैं। इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। पारंपरिक राजस्थानी चूरमे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है, और ये गेहूं का आटा थोड़ा सा दरदरा है, जैसा हम नॉर्मली आटा काम में लेते हैं रोटी बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए, उससे थोड़ा मोटा है ये। इसके बाद हमें इसमें यहाँ 1/3 कप गुनगुना घी ले लिया है मैंने, वो हम इसमें डाल देंगे। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे इसे, हाथों की सहायता से अच्छे से मोयन को हम मिक्स करेंगे इसमें, ताकि पूरी तरह से आटे में मिक्स हो जाए घी हमारा। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिक्स करना है इसे। तो यहाँ हमने मोयन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं एक शेप में होल्ड हो रहा है हमारा आटा। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, और अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें आटा नहीं गूंदना है, हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें और इसे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें मोगरी बन सके, यानी इस दानेदार हो सके हमारा आटा। तो लगभग मैंने 1/4 कप इसमें पानी डाला है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो यहाँ हमने पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमें इसे इस तरह से चारों तरफ से दबा करके और ढक के और 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हमने हमारी मोगरी जमा के रखी थी, तो अभी ये अच्छे से सेट हो चुकी है, यानी हमारे जो आटा था हमने जो लिया था उसमें अच्छे से दाना पड़ चुका है। अभी हमें इसे एक छान लेना है बर्तन में। तो यहाँ हमने एक परात ले ली है, हमें एक बड़े बर्तन में छानना है इसे, और थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे छलनी में और इसे छान लेंगे, ताकि कोई भी गांठे इसमें ना रहे। तो हमने ये मोगरी छान के तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं एकदम दरदरा सा दानेदार आपको ये आटा दिख रहा है। और अभी ये जो ऊपर बच गई है, इसे हम हाथ से मसल करके और छान लेंगे, और बहुत आराम से हो जाता है। और यदि आप ऐसे ना करना चाहें तो आप मिक्सी में एक बार चला लें इसे, तो ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। और फिर से इसे छान लेंगे। तो ये हमने चूरमे के लिए मोगरी छान के तैयार कर ली है। तो अभी हम चलते हैं हमारे गैस की तरफ, मोगरी को हमें सेकना है अच्छे से। फ्रेंड्स, हमने मोगरी बना के तैयार कर ली है, और अभी हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून घी डाल दिया है। और मोगरी सेकने से पहले हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून गोंद ले लिया है, इसे हम फ्राई करके तैयार करेंगे। तो यहाँ हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें गोंद को तलने के लिए, हल्का गर्म घी ही हमें चाहिए। तो गोंद हम डाल देते हैं इसमें। अच्छी तरह से चलाते हुए हम गोंद को फ्राई कर देंगे, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तो गोंद हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
अभी हम इसमें जो हमने मोगरी तैयार करके रखी थी वो डाल देते हैं, चला लेंगे इसको। यहाँ मैंने काफी बड़ी कढ़ाई ली है, आप भी अगर कोशिश करें बड़ी कढ़ाई लेने की या बड़ा बर्तन लें, क्योंकि हमें इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, सेकना है इसे। तो बड़ी कढ़ाई होती है तो बहुत इजीली काम हो जाता है। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छा सा सेकना है इसे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इसे सेकते हुए और आप देख सकते हैं इसमें कलर चेंज हो गया है पहले से अभी, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और सेकना है और इससे अच्छा कलर आए जब तक। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे। क्योंकि जो चूरमे के लड्डू होते हैं उसकी मोगरी बहुत ही बढ़िया सिकी हुई हो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जितना अच्छा आप मोगरी को सेकेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसीलिए आप भी कोशिश करें जब भी बनाएं आप मोगरी को बहुत ही अच्छा सेकें। तो हमारी मोगरी लगभग सिक के तैयार है, बस 1 से 2 मिनट हम इसे और चलाएंगे। यहाँ 1 कप नारियल ले लिया है हमने, सूखा नारियल जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और मिक्सी में पीस लिया हमने। आप चाहें तो उसे कद्दूकस कर सकते हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि 1 से 2 मिनट ये अच्छे से रोस्ट हो जाए मोगरी के साथ ही। और इसी समय हम इसमें 2 बड़े चम्मच बादाम काट के भी डाल देते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर डाल सकते हैं और इसे भी हम साथ में ही रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट। नारियल की अच्छी खुशबू आ रही है और नारियल भी अच्छे से सिक चुका है और हमारी मोगरी भी बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, अच्छे से सिक गई है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसी कढ़ाई में हम इसे चलाते रहेंगे। ताकि जो मोगरी है हमारी कढ़ाई में लगे ना, यानी कहीं से भी इसका कलर डार्क ना हो, बिल्कुल एक जैसे कलर में रहे ये। इसी में हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे इसे। अभी हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम गुड़ को पिघाल करके चाशनी बनाएंगे। तो अभी हमने उसी कढ़ाई में 1/3 कप पानी डाल दिया है और इसमें हम 1.5 कप कूटा हुआ गुड़ डाल देते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अभी इसे पूरा गुड़ को गलने तक हमें पकाना है। यहाँ गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और चाशनी में उबाल आने लगा है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इस चाशनी को। और पारंपरिक तौर पे जो चूरमे के लड्डू बनाए जाते हैं राजस्थान में वो गुड़ से ही बनाए जाते हैं, और यदि आप गुड़ नहीं काम में लेना चाहते हैं तो इसकी जगह आप चीनी काम में ले सकते हैं। तो अभी गैस ऑफ कर देते हैं हम और इसमें 1/3 कप घी डाल देते हैं और ये चाशनी अभी हम हमारे जो मिक्सचर हमने सेक के रखा है उसमें मिक्स करेंगे। तो अभी हमारा जो मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देते हैं चाशनी में, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। इसमें हमने जो गोंद तल के रखा था वो भी डाल देते हैं हल्का सा हाथों से पीस करके। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून मिश्री ले ली है कूट करके, ये इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्सचर को हमने इसमें बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी हमें इसमें थोड़ा घी और डालना है ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएं। थोड़ा मिक्सचर हमें ड्राई लग रहा है तो हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। लगभग 2 चम्मच के करीब घी हम इसमें और डालेंगे। मिक्स कर देंगे इसे।
तो अभी हम इसे मिक्सचर के छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार करने हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से लड्डू बन रहे हैं। तो सारे लड्डू हम इसी प्रकार से बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चूरमे के लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आप भी इजीली इसे बना सकते हैं घर में। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के